नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल द विक्ट्री ज्ञान में। जीत या हार रहो तैयार, डॉक्टर उज्जवल पाटनी पार्ट टू। वरदान कहे या अभिशाप, इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। जिन पर भरोसा करते हैं वे धोखा देते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वो मुश्किलों में साथ निभाते हैं। जिन घटनाओं को दुर्भाग्य समझते हैं वो अचानक ही सौभाग्य में बदल जाती है, और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे ही उदाहरण हम सबके जीवन में कई बार आते हैं, और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो समझ में नहीं आता उन घटनाओं को वरदान कहें या अभिशाप। यह मुंबई में मेरे परिचित के साथ घटी सच्ची घटना है। उन्हें एक मीटिंग में जाना था और वे लोकल ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुँचे। ट्रेन में चढ़ते हुए भारी भीड़ की वजह से उनका चश्मा प्लेटफॉर्म पर गिर गया। वो जैसे ही चश्मा लेने उतरे, धक्का मुक्की करती भीड़ ने उनको पीछे छोड़ दिया और ट्रेन चल पड़ी। उन्होंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की परंतु असफल रहे। खुद पर वे बेहद झुंझला उठे क्योंकि अगली ट्रेन आने में अभी देर थी। इतनी मेहनत से उन्होंने एक VIP क्लाइंट से मुलाकात का समय लिया था, वह व्यर्थ चला गया। वो दिन को कोसने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें पता चला कि जिस ट्रेन में वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें बम विस्फोट हो गया और बहुत लोगों की जान चली गई। सुनते ही वो हैरान रह गए। कुछ देर पहले तक वो उत्तेजित होकर झुंझला रहे थे, कोस रहे थे, अब वो इतने सदमे में थे कि होठों से शब्द नहीं फूट रहे थे। उस दिन को वो नई जिंदगी की शुरुआत मानते हैं। विश्व के महान वक्ता डेल कार्नेगी फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे। उनकी कम ऊंचाई की वजह से उन्हें अच्छे मौके नहीं मिले और उन्होंने फुटबॉल के बारे में सोचना छोड़ दिया। वे हमेशा भगवान के सामने अपनी ऊंचाई को लेकर शिकायत करते थे। वे ऊंचाई को अभिशाप मानते थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में उनकी ख्याति विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ता और लेखक के रूप में फैली। फुटबॉल खेल पाने को वरदान माने या अभिशाप। एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने पहुंचा। अचानक किसी नुकीली झाड़ी से उनकी उंगली कट गई। उनके मंत्री ने उनसे कहा, महाराज जरूर इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। मंत्री की बात पर राजा नाराज हो गए और उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, मंत्री को कारागार में डाल दो। यदि इस उंगली कटने में कोई खास बात हुई तो मंत्री को उसके वजन के बराबर सोने से तोलकर मुक्त कर देना, और यदि कोई खास बात नहीं हुई कारागार में ही सड़ने देना। अगले दिन महाराज शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गए और एक कबीले में पहुंच गए। कबीले में बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। कबीले वाले नए आदमी को देखकर खुश हो गए और उन्होंने राजा की बलि चढ़ाने का निर्णय ले लिया। वो राजा को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, इतने में एक व्यक्ति की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। वह जोर से चिल्ला उठा, इस व्यक्ति का अंग भंग है, देवी माँ इस बलि से नाराज हो जाएंगी। उस कटी हुई उंगली के कारण राजा को मुक्त कर दिया गया। मित्रों, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको लेकर हम जीवन भर रोते रहते हैं। ऐसा समझते हैं कि मानो सब कुछ खत्म हो गया। कभी लगता है कि ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, आखिर क्यों बार बार बाधाएं आती हैं। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत पर यकीन करना शुरू कीजिए। पूरी मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम न मिले तो कारणों पर गंभीरता से विचार कीजिए और हल ढूंढिए। लेकिन अपने आप को खत्म मत मानिए, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला आपको कुछ बेहतर देना चाहता हो। आपके हाथ में सिर्फ एक सूत्र है, डटकर सही दिशा में काम करना। कर्म करते जाइए, फल स्वयं ही चला आएगा। हर वो मुश्किल जो आज आपको परेशान कर रही है, कल आपके लिए सफलता का नया द्वार खोल सकती है। क्या घटा, क्यों घटा, मेरे साथ ही क्यों घटा, ऐसा होता तो बेहतर था, वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा था, आखिर मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, जैसी तमाम लाइनें भूल जाइए। क्योंकि आज का अभिशाप कल एक वरदान हो सकता है, आज का वरदान कल एक अभिशाप हो सकता है। जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में था तो उसके दूर दराज के रिश्तेदार भी अपने आप को दाऊद का करीबी बताकर सीना ठोकते थे। दाऊद का होना उनके लिए एक वरदान था क्योंकि सारी मुंबई में दाऊद का खौफ था, और इस खौफ की वजह से उनके कोई काम नहीं रुकते थे। मुंबई बम विस्फोट के बाद
दाऊद की सारी संपत्ति पुलिस ने सील कर दी, सारे रिश्तेदारों को दबोच कर जेल में बंद कर दिया। दाऊद से रिश्तेदारी और परिचय होना उनके लिए अब एक अभिशाप हो चुका था। कहने का अर्थ है कि जीवन में किन बातों को हम दुर्भाग्य मानते हैं वे भविष्य का सौभाग्य हो सकती हैं। इसलिए उस ऊपर वाले की रजा में विश्वास कीजिए, अपना 100% झोंक दीजिए, जो भी काम कर रहे हो पूरे मन से कीजिए, साथ छोड़िए, अच्छा साथ चुनिए। आप कैसे लोगों के साथ हैं यह जीवन की ऊंचाई निर्धारित करने में बेहद महत्व रखता है। इंसान अपने माता पिता, भाई बहन आदि को नहीं चुन सकता, परंतु जीवन में कैसे मित्रों के साथ रहना है इसका चुनाव इंसान के हाथ में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर शक्ति है तो दूसरे गलत लोग आपको प्रभावित नहीं कर सकते, यदि आप सही रास्ते पर हैं तो दूसरे आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। मुझे यह जरा किताबी बात लगती है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है उसके अंदर वैसे ही गुण पैदा होते हैं, वह धीरे धीरे उस आचरण को ग्रहण करता है। कुछ लोग दृढ़ होते हैं, वे अपने आप को खराब साथियों के साथ भी श्रेष्ठ बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खराब साथियों के साथ रहने का परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि आपके साथी चोर हैं तो भले ही आप उनके साथ चोरी में शामिल न हो, लेकिन अवसर आने पर आप पर भी शक किया जाएगा। यदि आपके साथी निराशावादी हैं तो धीरे धीरे आप भी निराशावादी हो जाएंगे। यदि आपके साथी समाज में सम्मानित नहीं है और उनके आचरण को संदेह की दृष्टि में देखा जाता है तो उनके साथ रहने से आपको भी बहुत से लोग संदेह की नज़र से देखेंगे। आप दुनिया में हर व्यक्ति को जाकर यह सफाई नहीं दे पाएंगे कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं उनके कारनामों का हिस्सा नहीं है। यदि आपको दिल्ली जाना है तो कलकत्ता जाने वाली साथियों के साथ आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको दिल्ली जाने वाली गाड़ी में दिल्ली जाने वाले साथियों के साथ चढ़ना होगा। ठीक उसी तरह आप जिन मंजिलों को पाना चाहते हैं, जिन सपनों को साकार करना चाहते हैं, उसी दिशा में जाने वाले लोगों का साथ चुनना होगा, उन्हीं का अनुसरण करना होगा। इन साथियों का पूरी तरह से साथ छोड़ दीजिए जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, जिन पर जब कानून की मार पड़ेगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते, ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। इनके साथ सीमित संपर्क, सीमित साथ रखिए। आइए जानते हैं, जिन लोगों में ऊपर लिखी बुराइयां हैं परंतु वो ऐसे लोग हैं जिनका साथ आप पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, तो उनसे सीमित संपर्क रखिए, अर्थात सिर्फ काम से काम रखिए। व्यापार में, ऑफिस में, संस्थाओं में, परिवार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे संपर्क रखकर आपको कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा, परंतु फिर भी उनसे संपर्क रखना आपकी मजबूरी है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के साथ पूर्णतः कार्यमूलक संबंध रखिए और बाकी समय में दूरी रखिए। मेरे एक मित्र के अंकल अति नकारात्मक व्यक्ति हैं। उनके साथ थोड़ी देर बैठते ही आपको सारे संसार की निराशा घेर लेंगी। मेरा मित्र सिर्फ उनसे होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर मिलता है और दुआ सलाम करके किनारा कर लेता है। उसका कहना है कि यदि मैं अपने अंकल के साथ एक घंटे बैठ जाऊं तो मेरी एक हफ्ते की मानसिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सार यह है कि यदि आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं तो उनसे भी विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखिए। जीतना हो तो इनका साथ चुनिए। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का साथ चुनना होगा जिन्होंने जीवन में कुछ पाया हो। आपको अपने इच्छित क्षेत्र के सफल लोगों का सानिध्य पाना होगा।
जिससे आप सफलता के सारे मंत्र सीख सकें, ऐसे लोग जो आपको बता सके कि कौन से रास्तों पर चलकर उन्होंने सफलता पाई है, ऐसे लोग जो आपको बाधाएं आने पर हौसला दे सकें और उन बाधाओं को हटाने के रास्ते बताएं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि यह दुनिया एक शानदार दुनिया है और यहाँ प्यार करने वाले लोग हैं। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हो सकता है कि ऐसे लोग आपके परिचय क्षेत्र में ना हो, फिर आप क्या करेंगे? मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप घर पर बैठकर सोचेंगे कि एक न एक दिन परिचय हो जाएगा, तो ऐसा कभी न होगा। कोई सफल व्यक्ति आपके पास आकर नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आप खुद मेहनत करके ऐसे लोगों से खुद को जोड़ लीजिए। यदि आपको मालूम है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आपको शिखर पर बैठे लोगों की भी जानकारी रखनी होगी। हिम्मत करें और सीधा जाकर उस व्यक्ति से कहें, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। यदि वह व्यक्ति आपकी बातों में सच्चाई देखेगा, आपका समर्पण देखेगा, तो वह अवश्य आपकी मदद करेगा। यदि आप किसी हम उम्र प्रतिभावान व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं, तो उपयुक्त अवसर का इंतजार मत कीजिए, अवसर का निर्माण कर लीजिए। खुद ही जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दीजिए। हजारों में कोई एक व्यक्ति ही दोस्ती के लिए बढ़े हुए हाथ को ठुकराता है। सार यह है कि जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसे लोगों से संपर्क बढ़ाइए। किसी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना, किसी से मार्गदर्शन का अनुरोध करना, किसी से समस्या का समाधान मांगना, बल्कि यह काम तो सिर्फ साहसी व्यक्ति कर सकता है। वही कर सकता है जिसकी आंखों में सपने और खुली आंखों से सपने देखने की ताकत रखता हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो किताब लिखना चाहते हैं, जो प्रेरक बनना चाहते हैं। आने वालों के व्यक्तित्व और बातों से आभास हो जाता है कि वह गंभीर है या नहीं। यदि वह गंभीर है तो मैं उसे अवश्य समय देता हूँ। यदि मैं उस समय व्यस्त हूँ तो बाद का अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, परंतु किसी का तिरस्कार नहीं करता। हाँ, यदि मुझे यह लगता है कि सामने वाला मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है, वह अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है, तो फिर मैं उन्हें अलविदा कह देता हूँ। सीधी बात, गंभीर होकर अपने संपर्कों और साथियों की लिस्ट बनाइए जो साथ छोड़ने के योग्य हैं। दृढ़ निर्णय लीजिए और उनसे दूरी बना लीजिए। जो हाथ छोड़ने के योग्य हैं परंतु उनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, उनके साथ काम से काम रखिए। जो सफल और सकारात्मक लोग हैं, उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, उनका साथ चुनिए, भले ही इसके लिए थोड़ा झुकना पड़े। तनाव है तो जिंदगी है। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक किताब पढ़ी, तनाव रहित जीवन जिए। उसमें ऐसे ढेर सारे नुस्खे बताए गए थे जिससे आपके जीवन में तनाव कभी नहीं आएगा। मैं मन ही मन सोच में पड़ गया, क्या वाकई ऐसा संभव है कि हमारे जीवन में तनाव कभी न आए? क्या वाकई हम तनाव को सदा के लिए मिटा सकते हैं? बच्चों को स्वयं के वजन से ज़्यादा भारी बैग और शिक्षा का तनाव है, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का तनाव है, युवाओं को उच्च शिक्षा का तनाव है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी और व्यवसाय का तनाव है, गृहिणियों को बढ़ती महंगाई और घरेलू काम के बोझ का तनाव है, पिता को बेटियों के हाथ पीले करने का तनाव है, कर्मचारियों को छटनी का तनाव है और बूढ़ों को बीमारियों का तनाव है। पूरे संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी बात का तनाव रहता है, और यह तनाव कोई बुरी चीज नहीं है। जो भी जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें तनाव स्वाभाविक है। एक तनाव रहित जीवन की कल्पना से बड़ा तनाव और कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि तनाव रहित जीवन ढूंढने की बजाय हमें यह सोचना होगा कि तनाव को कैसे कम करें, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हमेशा आपके मन माफिक घटनाएं कभी नहीं होंगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होंगी जो कभी आपको खुश कर देंगी और कभी गम दे देंगी। जब खुशी वाली कोई बात हो तो दिल खोलकर खुश हो जाइए, और जब बेहद दुखी हो तो दो बूंद आंसू भी निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है? भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास मत कीजिए, यह प्रयास आपको तनाव से भर देगा। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि दुख में भी हंसना सीखिए, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यदि आपका दो क्षण रोने का दिल कर रहा है तो पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगाकर कृत्रिम हंसी हंसने से क्या होगा? ज़्यादा बेहतर है मौका देखकर दो मिनट रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, तनाव उड़न छू हो जाएगा। हर भावना को दबाइए मत,
मेरे अनुसार तनाव का सामना करने का प्रैक्टिकल तरीका परिस्थिति का आकलन करना और कारण पर संपूर्ण विचार करना है। यदि कारण आपके नियंत्रण में है तो तनाव का कारण हटा दीजिए। यदि तनाव का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर पुनः विचार मत कीजिए। तनावपूर्ण परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से सोचिए, किन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं, किन परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते हैं, इन पर विचार कीजिए। यदि आप अपरिवर्तनीय की चिंता करते रहेंगे तो आपका तनाव और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी ताकत लगाकर भी बदल नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपके घर में शादी है। आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई और अब आप बेहद तनाव में हैं। यदि आप बारिश को कोसते रहेंगे तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा, जबकि वो आपके नियंत्रण के बाहर है। आपको तुरंत हालात को स्वीकार कर बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। जैसे यदि खुले लॉन में पार्टी है तो उसकी जगह इनडोर पार्टी रखिए या लॉन पर पानी रोधक तिरपाल लगाइए। आपको यह भी सोचना होगा कि यदि तेज बारिश के साथ आंधी आई तो बिजली भी गुल हो सकती है, इसलिए जनरेटर की व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए। बारिश क्यों हो गई, मौसम विभाग ने सूचना क्यों नहीं दी, यह सब बार बार सोचकर आप अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करेंगे। किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में यह सोचना गलत है। इस परिस्थिति में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो मेरे नियंत्रण में, जो मैं कर सकता हूँ, उन कार्यों की तत्काल जवाबदारी लेते हुए नियंत्रण में ले लें। जो कार्य मेरे नियंत्रण में नहीं उनको छोड़ दें, उन पर अपनी शक्ति व्यर्थ मत करिए। तनाव का सामना करने के सूत्र आइए जानते हैं। बांटो तो घटेगा, छुपाओ तो बढ़ेगा। अक्सर लोग तनाव के कारणों को अपने भीतर छुपा लेते हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरे भी उनकी वजह से तनावग्रस्त हों। वे अक्सर यह भी नहीं चाहते कि दूसरे उनको कमज़ोर समझे या दूसरों को उनकी अंदरूनी बातें पता चले। ऐसे लोगों को अपने ही तनाव से घुटन होने लगती है, क्योंकि तनाव को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता, वह अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। ऐसे में या तो वे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं या कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपनी पत्नी से, परिवार के सदस्यों से या करीबी मित्रों से समस्या बांट सकते हैं। जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं तनाव घटने लगता है। जैसे जैसे तनाव कम होता है आपके दिमाग में समाधान आने लगते हैं। तनाव सोचने की सकारात्मक प्रक्रिया पर भी विराम लगा देता है। जब आप दूसरों से चर्चा करते हैं तो उनकी सलाह से कभी कभी आपको एकदम नए हल मिल जाते हैं। समाधान ढूंढने की मानसिकता आपके अंदर पैदा हो जाती है। ऐसे कई तथ्य जो अनजाने में आपके नज़रअंदाज कर दिए वो आपके सामने आ जाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ और आपको मेडिकल क्षेत्र की एक बात बताता हूँ। मरीज को शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने से मवाद बन जाता है, असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, वह सूजन बढ़ती चली जाती है और साथ ही दर्द भी। ऐसे में दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में चिकित्सक उस सूजन में छोटा सा चीरा लगाते हैं। जैसे ही दबाव को निकलने की जगह मिलती है, तेजी से मवाद और इन्फेक्शन उस जगह से बाहर निकल जाता है। मरीज को चमत्कारिक आराम मिलता है, दवाइयाँ भी असर करने लगती हैं। कहने का सार यह है कि दबाव और तनाव को निकलने का रास्ता दीजिए, समस्या को बांटिए, अपने अंदर दबाकर मत रखिए। व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अक्सर तनाव हमारे शब्दों और कार्यों में झलकने लगता है। हम जल्दी उत्तेजित होने लगते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, हमारी गलतियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ ही तनाव भी। इन गलतियों का हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है। किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखकर व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। ऐसे वक्त पर परिवार और मित्रों के ऊपर झल्लाकर और बुरा बर्ताव करके आप रिश्तों को खोएंगे, भविष्य में तनाव के नए कारण पैदा करेंगे और डबल नुकसान होगा। रुकिए, ब्रेक लीजिए, फिर सोचिए। यदि आपको लग रहा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप परिस्थिति में उलझ चुके हैं, तो जरा ठहरिए, रुक जाइए, ज़बरदस्ती एक ब्रेक ले लीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, आंतरिक प्रयास करना होगा, परंतु तनाव की मुख्य जड़ों से खुद को दूर कीजिए। अपने सबसे प्यारे दोस्त या गुरु से मिलिए, अपनी पसंदीदा फिल्म देखिए, ऐसे गीत सुनिए जो आपके दिल को छूते हों। थोड़ा थ्योरेटिकल परंतु जाचा परखा तरीका है। उसके बाद पुनः तनाव के कारणों पर सोचिए, उन दिशाओं में सोचिए जिन पर आपका ध्यान नहीं गया। विस्तार से सोचिए, पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचिए।
अपने को दूसरों की जगह पर ले जाकर सोचिए, तटस्थ होकर सोचिए। मुझे यकीन है आपको रास्ता जरूर मिलेगा। प्रार्थना और ध्यान। मैंने देखा कि बड़े बड़े नास्तिक भी जब मुसीबत में घिर जाते हैं तो भगवान को याद करने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर के साथ हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ते हैं। अजीब सा सुकून और शांति मन में व्याप्त हो जाती है। प्रार्थनाएं सच होती हैं, मैं इसमें यकीन करता हूँ। आपने भी जीवन में ईश्वर के अद्भुत चमत्कारों को महसूस किया होगा। सच तो यह है कि ये चमत्कार तर्कों की पहुँच से बाहर हैं। मैं जब भी ईश्वर की शरण में जाता हूँ, अपने बड़े से बड़े दुख और छोटी से छोटी खुशी ईश्वर से बांट लेता हूँ। मैं हर बार महसूस करता हूँ कि वो धीरे धीरे से मेरे कानों में कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और काम करना जारी रखिए। ध्यान और योग भी तनावों में अमृत सा कार्य करते हैं। हम भारतीय बेहद भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति अध्यात्म और ध्यान पर आधारित है। ऋषि मुनि और वेदों ने हमें इन विधाओं में विशेष योग्यता दी है। ओशो, श्री श्री रविशंकर से लेकर दीपक चोपड़ा और महेश योगी ने विश्व स्तर पर अध्यात्म का झंडा गाड़ा है। ध्यान और योग की किताबें पढ़िए, उनसे जीवन जीने की शैली का विकास कीजिए। बाह्य नियंत्रण। यदि आप खुद पर नियंत्रण रखने के प्रयास में कुछ हद तक सफल हो गए हैं, तो अब आपको उन परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कमान हाथ में लेनी होगी। आप केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें किसी भी किस्म का बदलाव आपके द्वारा संभव हो। किसी विचारक ने कहा है कि ईश्वर चुनता है हम कैसी परिस्थितियों से गुजरेंगे। हम चुनते हैं हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। प्रयासों में कमी न करें, पहले से दिमाग में धारणा न बनाएं, सारे संभव रास्तों पर विचार करें और एकाग्र होकर हल ढूंढें। जब आप शांत और नियंत्रित होते हैं, अन्य लोग भी आपकी मदद को आने लगते हैं। बाहरी विरोधी तत्व भी धीरे धीरे हार मान लेते हैं। तनावों से खेलना और उन्हें हंसते हंसते झेलना, ये आदमी की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि दिन और रात के 24 घंटे बहुत कम होते हैं। हवाएं इसी तरह बह रही है, जब ये नहीं थकती तो हम क्यों थकें।